हेलो फ्रेंड्स, इंडियन ट्रेडिशन कल्चर एंड सोसाइटी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके AKT ऑनलाइन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो में हमने कवर किए हैं पूरे 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, मुंडका उपनिषद, द मांडक्य उपनिषद एंड द प्रश्न उपनिषद आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास। तो इनमें से कौन से वेद से जो है ये एसोसिएटेड हैं? तो चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। राइट आंसर इसका अथर्ववेद। तो अथर्ववेद जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? अथर्ववेद टेक्स्ट इंक्लूड्स 3 प्राइमरी उपनिषद। जो अथर्ववेद है उसमें 3 प्राइमरी उपनिषद हैं, ठीक है। तो इनमें से जो है ये ए अथर्ववेद जो है वो इसका एसोसिएटेड है। तो ए आंसर जो है इसका वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैपी लैम्फी ए ट्रेडिशनल टेक्सटाइल फैब्रिक इज ए GI प्रोडक्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो कौन से स्टेट से है? चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, असम, मणिपुर, जम्मू कश्मीर या आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर जो है वो इसका है बी, मणिपुर। क्यों? शैपी लैम्फी जो ट्रेडिशनल टेक्सटाइल फैब्रिक वोवन एंड एम्ब्रॉयडर्ड बाय मेटी वुमेन ऑफ मणिपुर। तो मणिपुर जो है इसका वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द भीमबेटका रॉक शेटर्स आर एन आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ पैलोलिथिक पीरियड, इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ये कौन से स्टेट में जो है ये लोकेटेड है? तो ये है मध्य प्रदेश में। तो राइट आंसर जो है वो इसका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेस्टिवल बैसाखी और वैसाखी इज कॉमोमोरेट्स विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ सिख हिस्ट्री। तो सिख के इतिहास में जो है वो वैसाखी जो है वो किसके लिए मनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है बी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ खालसा पंथ। खालसा पंथ के लिए जो ये मनाई जाती, तो इसका बी आंसर जो है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, साइना एन इम्पोर्टेंट कमेंटेटर ऑन वेदास वाज एसोसिएटेड विद विच अमंग द फॉलोइंग एम्पायर्स। तो किसके लिए? इसमें आपके जो चार ऑप्शन है, राइट आंसर जो है वो है विजयनगर एम्पायर। तो ये जो आपका करेक्ट आंसर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, साइना वाज एन इम्पोर्टेंट कमेंटेटर ऑन द वेदास, हिज कमेंट्री ऑन द ऋग्वेद वॉज एडिटेड बाय मैक्स मूलर 1849 to 1875। ही फ्लॉरिस्ट अंडर द किंग बुक्का एंड हिज सक्सेसर हरिहरा सेकेंड इन द विजयनगर एम्पायर ऑफ साउथ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग हिंदू पेंटर्स वॉज सेंट बाय जहांगीर टू पोर्ट्रेट शाह अब्बास ऑफ पर्शिया। यानी कि पर्शिया के जो शाह अब्बास की जो तस्वीर है, ठीक है, तो वो किस पेंटर का जो है वो भेजा गया था? तो यह चार ऑप्शन आपके लिए, बासवान, बिशनदास, दशरथ और मनोहर। तो राइट आंसर इसका बिशनदास। बिशनदास को जो है पोर्ट्रेट बनाने के लिए, पेंटिंग के लिए भेजा गया था। तो राइट आंसर जो है वो बिशनदास है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिशनदास वाज 17th सेंचुरी पोर्ट्रेट पेंटर, ठीक है। तो इसमें से भी जो है आपके MCQ बन सकते हैं। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ पंचायतन स्टाइल ऑफ टेम्पल। तो किसको जाना जाता है? चार ऑप्शन आपके पास हैं, इसका राइट आंसर जो है वो है ए, द शिवतार टेम्पल एट देवगढ़। तो इसका राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग अरब स्कॉलर्स स्टडीड संस्कृत एंड एस्ट्रोनॉमी फॉर ए डिकेड एट वाराणसी। तो संस्कृत और एस्ट्रोनॉमी, तो इसका राइट आंसर है एलब्रूनी, ठीक है, एलब्रूनी। तो राइट आंसर जो है इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलब्रूनी द अरब एस्ट्रोनॉमर था, ठीक है, एलब्रूनी जो है वो अरब का एस्ट्रोनॉमर था जिसने संस्कृत और एस्ट्रोनॉमी पढ़ी थी, ठीक है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रीच्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ वन रिलीजन वन कास्ट एंड गॉड फॉर मैनकाइंड। इनमें से जो है किसने उपदेश दिया था एक धर्म के लिए, एक जाति के लिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो है श्री नारायण गुरु। तो सी आंसर जो है वो आपका ठीक है, श्री नारायण गुरु जो जिन्होंने उपदेश दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, थाईपुसम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज। तो किसके द्वारा मनाया जाता है? ये मनाया जाता है तमिल के द्वारा। तो ये आंसर जो है वो ठीक है, ये जो है हिंदू फेस्टिवल है और ज़्यादातर तमिल के लोगों के लिए ये मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरटन इज ए टर्म रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन। तो किससे है? चार ऑप्शन है इसके, बुद्धिज्म, जैविज्म। तो इसका राइट आंसर है बुद्धिज्म, ए आंसर जो है इसका वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन्स टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड टू इंडिया।
विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन, यानी कि आपको यहाँ पर जो चार रिलीजन दिए हुए हैं, ठीक है, तो टावर ऑफ साइलेंस का क्या आंसर होगा, वो है जोरोस्ट्रियंस, तो ए आंसर जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, किशनगढ़ स्कूल ऑफ राजस्थान इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो राजस्थान में जो किशनगढ़ स्कूल है वो किसके लिए फेमस है, पेंटिंग के लिए, डांस के लिए, स्क्रप्चर के लिए, आर्किटेक्चर के लिए, तो वो जो है पेंटिंग के लिए जो है बहुत फेमस है, तो पेंटिंग आंसर जो है इसका वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विद द फोक डांस तेरताली, तो इसका राइट आंसर है हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, गुजरात में से राजस्थान, तो राजस्थान में जो है ये है, तो तेरताली इज ए फेमस फोक डांस ऑफ राजस्थान, इट इज परफॉर्म्ड बाय द कमर ट्राइब, द वुमेन फोक सिट ऑन द ग्राउंड व्हाइल परफॉर्मिंग द तेरताली, ठीक है, राइट आंसर इसका जो है वो है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्टागोनल शेप ऑफ मॉसोलियम्स इज द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज ऑफ मेडिवल इंडिया, तो इसका राइट आंसर जो है वो है लोडी, तो डी आंसर जो है वो इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेस्पेक्ट टू द फिजिक्स इन्वॉल्व इन प्लेइंग ऑफ फ्लूट कंसिडर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, यानी कि बांसुरी वादक में, ठीक है, तो इनमें से जो है कौन सा जो है ठीक है, अब आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ए फ्लूट प्लेयर चेंज द पिच ऑफ द साउंड प्रोड्यूस बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग होल्स इन द बॉडी ऑफ द फ्लूट, यानी कि जो फ्लूट में जो छेद होते हैं, ठीक है, उससे जो है पिच जो है कंट्रोल की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है। दूसरा क्वेश्चन है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ होल्स इन द बॉडी ऑफ फ्लूट चेंज रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो इसमें आपको देखिए चार ऑप्शन दिए हुए हैं वन एंड बी, तो इसका जो आंसर है वो है बी, वन एंड टू, आप यहाँ पर देख सकते हैं रेजोनेंस भी चेंज होता है फ्लूट में, ठीक है, और यहाँ पर जो है पिच भी जो है प्रोड्यूस की जाती है ओपनिंग एंड क्लोजिंग से, ठीक है, तो जो इसका बी आंसर है वो ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों आंसर जो है वो करेक्ट है, तो बी आंसर इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, इंडिया की जो है क्लासिकल लैंग्वेज क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, तो इंडिया की क्लासिकल लैंग्वेज देखिए तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और ओडिया, चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, अब इसमें क्या है ओनली वन टू थ्री, ओनली टू थ्री फोर, ओनली वन टू एंड फोर, ओनली वन टू थ्री एंड फोर, तो इसका राइट आंसर जो है वो चारों है, तमिल भी है, तेलुगु भी है, कन्नड़ भी है और ओडिया भी है, तो इंडिया में जो है ये चारों भाषाएँ बोली जाती हैं, तो डी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देर आर सिक्स लैंग्वेज आर इंक्लूडेड, ठीक है, तो सिक्स लैंग्वेज जो इंक्लूडेड है क्लासिकल लैंग्वेज में, आपसे इसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू और बन सकता है, इसमें जो चार दिए हुए हैं इसमें आपके पास छः में से कुछ भी दे सकता है, ठीक है, तो आपको याद रखनी है ये छः जो है ये इंडिया की क्लासिकल लैंग्वेज की लिस्ट है, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ इंडियन मार्शल आर्ट्स, यानी कि इंडियन मार्शल आर्ट्स के जो है इनमें से एग्जाम्पल कौन सा है, तो आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट आंसर जो है वह सी, वन टू थ्री, यानी कि थांगटा और कलारी पैट्टू और सिलम्बम, तो तीन आंसर जाए इसके ठीक है, वन टू थ्री, तो सी आंसर में वन टू थ्री है, तो सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसकी और बाकी डिटेल है आप पढ़ लेना इसको, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, बासमती राइस इज वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कॉमोडिटीज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद दिस रेफरेंस, तो बासमती जो चावल है उसके बारे में कहा गया है, इन कंपेरिजन टू नॉन बासमती राइस, बासमती राइस नीड्स मोर वाटर फॉर कल्टिवेशन, ठीक है, यानी कि इसमें जो है बासमती चावल के लिए जो है ज़्यादातर फसल के लिए जो है ज़्यादातर पानी चाहिए, और सेकंड पॉइंट है इसका मोस्ट बासमती राइस इज प्रोड्यूस्ड इन नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया, ज़्यादातर जो बासमती चावल है वो नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट इंडिया के भाग में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसका ओनली टू, तो बी आंसर जो है इसका वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि बासमती राइस जो है वो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में ही पाया जाता है, इन कंपेरिजन टू नॉन बासमती राइस, बासमती राइस कैलोरी टू कंज्यूम लेस वाटर, ठीक है, जो ये बासमती राइस है वो लेस वाटर में भी जो है होता है, और दिस इज द रीजन द सम स्टेट्स सच एज पंजाब एनकरेज द फार्मर्स टू ग्रो मोर बासमती, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फेस्टिवल ऑफ इंडिया विच हेल्प द विद द हेल्प ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन, तो इंडिया का जो फेस्टिवल का नेम बताना है आपको जिसमें जो है ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है, इट इज हार्वेस्ट फेस्टिवल, इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अगस्त सितंबर अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है, ये अगस्त सितंबर में जो है मनाया जाता है, किंग महाबली और लॉर्ड विष्णु आर रिवर्ड ड्यूरिंग द
फेस्टिवल। तो अब ये तीनों जो कथन कहे गए हैं, ठीक है, तीनों पॉइंट ये किस इंडिया के फेस्टिवल में जो है ये सूट करते हैं, तो इसका राइट आंसर है ओणम। ओणम में जो है ये सब होता है, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव फीचर्स आर ओणम फेस्टिवल, ये जो है ओणम फेस्टिवल के हैं, ठीक है। 10 डे फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन केरला स्टेट ऑफ इंडिया। तो इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, इनमें से जो है क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी है इंडिया की। तो ये चार ऑप्शन है, अभी रिपीट हो चुका है क्वेश्चन ये, तो 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है वो ठीक है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और ओडिया, चारों जो है इंडिया की क्लासिकल लैंग्वेज है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 22, इन द इंडियन फिलोसफी द वैशिका सिस्टम इज क्लोजली अलाइड टू द न्याय सिस्टम ऑफ फिलोसफी, कंसिडर द फॉलोइंग सिस्टम विद दिस रेस्पेक्ट। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, ठीक है। बोथ न्याय एंड वैशेषिका व्यू इग्नोरेंस एज द रूट कॉज ऑफ ऑल पेन एंड माइजरी, बोथ न्याय एंड वैशेषिका एक्सेप्ट फोर इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ नॉलेज, ठीक है। परसेप्शन, इंटरफेरेंस, कंपेरिजन एंड टेस्टिमोनी, बोथ न्याय एंड वैशेषिका एक्सेप्ट द लिबरेशन ऑफ द इंडिविजुअल सेल्फ एज द एंड गोल। तो विच अमंग इज करेक्ट, इनमें से आपका जो है करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो करेक्ट आंसर है, तो फर्स्ट एंड थर्ड किस में, सी में, तो सी आंसर जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैशेषिका इज अलाइड टू द न्याय सिस्टम ऑफ फिलोसफी, ठीक है। और बोथ ये दोनों सिस्टम जो है वो एक्सेप्ट करते हैं किसको, लिबरेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ एज द एंड गोल, ठीक है। बोथ व्यू इग्नोरेंस एज द रूट कॉज ऑफ ऑल पेन एंड माइजरी। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट विक्रम इरा एंड शाक इरा, विक्रम इरा एंड शाक इरा, ठीक है। तो इसमें जो है चार दिए हुए हैं आपको, विक्रम इरा इज 56 और 57 ईयर्स लेटर देन द कॉमन इरा, शाक इरा इज 78 और 79 ईयर्स अर्लियर देन द कॉमन इरा, ठीक है। बोथ शक एंड विक्रम इरा आर ल्यूनर कैलेंडर्स, तो ये जो संवत होते हैं विक्रम संवत और शक संवत, तो उसके लिए जो ये है उसका राइट आंसर है 1, 2, 3, यानी तीनों बातें जो हैं वो ठीक हैं, तो डी आंसर इसका ठीक हो जाएगा। उसका क्वेश्चन नंबर 24, कंसिडर द फॉलोइंग मेडिसिन टाइप्स, यानी कि आपको जो है ये चार मेडिसिन के टाइप दिए हुए हैं, सोवारिकपा, आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी। तो इनमें से जो है विच ऑफ द अबव हैव लीगल रिकॉग्नाइजेशन अमंग इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, यानी कि जो इंडियन सिस्टम है मेडिसिन का, दवाई का, ठीक है, आयुष डिपार्टमेंट के अंतर्गत, तो इनमें से कौन सी जो है वो लीगल है। उसका राइट आंसर है चारों, चारों जो है वो लीगल है, सिद्ध, यूनानी, आयुर्वेदी और सोवारिकपा, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो है ये चारों लीगल हैं। ऑल द अबव गॉट लीगल रिकॉग्नाइजेशन अमंग इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ आयुष। तो राइट आंसर इसका है 1, 2, 3, 4 डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट विद द हेल्प ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन। तो आपको जो है इन जो तीन पॉइंट दिए हुए हैं इनकी मदद से जो है आपको इंस्ट्रूमेंट बताना है। दिस इंस्ट्रूमेंट हैज़ बीन निकनेम्ड एज अ किंग ऑफ परक्यूशन, यानी कि इसको जो है परक्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। दिस इंस्ट्रूमेंट इज ऑल्सो नोन एज देववाद्यम, देववाद्यम और डिवाइन इंस्ट्रूमेंट, और इट इज मोस्टली प्रिफर्ड फॉर कर्नाटिक म्यूजिक, कर्नाटिक म्यूजिक। तो इनमें से जो है कौन सा ऑप्शन जो है वो ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है मृदंगम, ठीक है, मृदंगम। तो बी आंसर इसका ठीक हो जाएगा, क्यों, ऑल द गिवन स्टेटमेंट्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मृदंगम, यानी मृदंगम के जो है ये चार चारों पॉइंट फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टाइल्स ऑफ म्यूजिक। अब आपको जो है चार स्टाइल दिए हुए संगीत के, ठीक है, धमर, भजन, कजरी और गजल। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल्स इज एसोसिएटेड विद हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। तो हिंदुस्तानी जो क्लासिकल म्यूजिक है, शास्त्रीय संगीत, ठीक है, तो उसके लिए जो है कौन एसोसिएटेड है इनमें से, तो इनमें जो है गजल, कजरी, भजन और धमर, ये चारों जो है वो एसोसिएटेड हैं इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में। तो चारों आंसर जो है वो ठीक हैं, तो इसका जो सी आंसर है 1, 2, 3 एंड 4 वो करेक्ट है। ऑल द गिवन स्टाइल्स आर एसोसिएटेड विद हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब आपके पास जो है चार स्टेटमेंट दिए हुए हैं, शहनाई, मृदंगम और सैरोड। तो इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोर्डोफोन। तो कोर्डोफोन जो है वो किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है सैरोड को। तो सी आंसर जो है वो ठीक है। ए कोरोड इज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट मेक साउंड बाय वे ऑफ ए वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग और स्ट्रिंग स्ट्रेच बिटवीन टू पॉइंट्स
शहनाई एंड मृदंगम आर नॉट कोर्डोफोन्स, ठीक है। राइट आंसर ये, विच ऑफ द फॉर्म इज इंडिकेटेड बाय द ओवल रिंग अराउंड द ओरिजिनल फिगर ऑफ शिव नटराजा, ठीक है। तो इसके आपके पास चार ऑप्शन है, इसका राइट आंसर जो है यूनिवर्स, कॉस्मिक फायर, साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ और कॉस्मिक रिदम, इन चारों में से राइट आंसर है बीस कॉस्मिक फायर। कॉस्मिक फायर यानी बी आंसर आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द श्रीकुला एंड कालीकुला स्कूल्स ऑफ हिंदुइज्म, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ठीक है। तो इसके राइट आंसर की बात करते हैं बी, ठीक है। ओनली टू इज करेक्ट, व्हेन श्रीकुला इज स्ट्रांग इन साउथ इंडिया, कालीकुला इज स्ट्रांग इन नॉर्थन एंड ईस्टर्न इंडिया, तो यही आंसर जो है वो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, विद रिफरेंस टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग्स एट भीमबेटका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब इनमें से जो है आपके पास ये काफ़ी सारे स्टेटमेंट जो हैं दिए हुए हैं। अब द मोस्ट पेंटेड एनिमल वार डियर एंड स्टेज, ज़्यादा पेंटेड एनिमल जो है वो डियर और स्टेज थे। और दूसरा पॉइंट है देर इज ए लिटिल डेपिक्शन ऑफ बर्ड्स, यानी पक्षियों की जो है वो थोड़ी डेपिक्शन थी। तो अब इसमें से क्या है आपके पास, देखिए ओनली वन इज करेक्ट, यानी कि पहला पॉइंट जो है वो ठीक है, या दूसरा बताइए ओनली वन एंड टू, या सिर्फ पहला और दूसरा ही ठीक है, या तीसरा पॉइंट दूसरा और तीसरा ठीक है, या चौथा पॉइंट वन टू थ्री, यानी जो तीनों लिखे हैं वो तीनों ठीक हैं। तो इसका राइट आंसर डी, ये तीनों जो हैं वो ठीक हैं। तो डी आंसर जो है वन टू थ्री इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, कंसिडर द फॉलोइंग, इनको देखिए ठीक है, जैन टेम्पल्स और वैष्णवी टेम्पल्स और साइविट टेम्पल्स। तो विच एमंग द अबव वन कैन फाइंड एट खजुराहो, इनमें से जो है खजुराहो में कौन सा पाया जाता है। तो खजुराहो में जो है तीनों मंदिर जो है खजुराहो में ही हैं, ठीक है। खजुराहो में जो है ये तीनों हैं, जैन टेम्पल और वैष्णवी टेम्पल और सेविटी टेम्पल, तो तीनों आंसर जो है वो ठीक हैं। तो सी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द अष्ट छाप एट पोइट्स बोलते हैं इसको, ट्रेडिशन हैज कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रिफरेंस, यानी इसके रेफरेंस में जो है ये जो है आपको पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। पहला क्या है, अष्ट छाप ट्रेडिशन ऑफ फिलोसफी ड्यूरिंग 16th सेंचुरी, पर्टिकुलरली द पीरियड ऑफ अकबर। और सेकंड पॉइंट है सूरदास वाज वन ऑफ द अष्ट छाप पोइट, तो इनमें से जो है कौन सा जो ऑप्शन है वो ठीक है। तो इसमें जो है पहला और दूसरा यानी कि दोनों ऑप्शन जो है वो ठीक है, तो सी आंसर जो है वन एंड टू वो करेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, कंसिडर द फॉलोइंग कंपेरिजन ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक एंड कर्नाटिक म्यूजिक, यानी कि कंसिडर द फॉलोइंग कंपेरिजन ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक क्लासिकल म्यूजिक एंड कर्नाटिक म्यूजिक, यानी कि इनमें जो है आपको कंपेरिजन बताना है। तो अब इसमें जो है आपके पास ये तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। अब तीन में से यहाँ पर क्या कहा है, देखिए पहला, इन कंट्रास्ट टू हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक कर्नाटिक म्यूजिक इज रिलेटिवली अनअफेक्टेड बाय अरेबिक एंड ईरानियन फ्लुएंसीज, तो इसका राइट आंसर जो है वो ए है, फर्स्ट एंड टू जो है हमारे करेक्ट हैं। पहला, दूसरा क्या है, इन कंट्रास्ट टू हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक कर्नाटिक म्यूजिक इज मोर थ्रोलिक ओरिएंटेड टू द वॉइस, तो पहला और दूसरा आंसर जो है वो ठीक है, तीसरा गलत है। तो इस वजह से पहला और दूसरा जो है हमारे आते हैं ए में, ठीक है, ए आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनेस्ट्रीज एंड देयर करेक्ट लोकेशन स्टेट इज आर करेक्ट, तो इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो वो करेक्ट जो है वो है ए ओनली, ठीक है, रुमटेक मोनेस्टरी सिक्किम। 35, कंसिडर द फॉलोइंग GI प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया एंड देयर रेस्पेक्टिव स्टेट्स, तो कंसिडर द फॉलोइंग GI प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी इंडिया के जो है ये GI प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसमें जो आपको स्टेट बताना है, तो इसमें लिखा गया है पहला पलक्कदन मट्टा राइस, ये जो केरला में है, और कलंगमक राइस जो है मध्य प्रदेश, और फजली मैंगो, ठीक है, फजली मैंगो।
उत्तर प्रदेश में। तो इसमें से जो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर जो है ए ओनली वन, यानी कि दोनों बातें दूसरी और तीसरी बातें जो गलत हैं, पहली बात सही है, पलक्कदन मट्टा राइस जो है वो केरला में होता है। तो फर्स्ट आंसर जो है इसका ए वो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस अबाउट द वेरियस काइंड्स ऑफ बिहू फेस्टिवल आर करेक्ट, इनमें से जो है किस कौन सा बिहू फेस्टिवल ठीक का काइंड है। तो बोहाग बिहू, एडवेंट ऑफ क्रॉपिंग सीजन, और भोगली बिहू हार्वेस्ट फेस्टिवल, और तीसरा है कोंगाली बिहू असम न्यू ईयर। तो इनमें से जो है राइट आंसर है वो आपके पहला और दूसरा जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो वन एंड टू ए आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग, फ्लेमिंगो फेस्टिवल तमिलनाडु में, ड्री फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में। तो इनमें से जो है वो कौन सा मैच जो है वो ठीक है। तो देखिए दूसरा और तीसरा जो है वो ठीक है, ड्री फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में और हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में। तो टू एंड थ्री जो है वो करेक्ट है, तो बी आंसर आपका ठीक है। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग डिफरेंस बिटवीन हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड कर्नाटक म्यूजिक, ये क्वेश्चन जो है हो चुका है, रिपीटेड है। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फेयर्स विद स्टेट्स वेयर दे आर सेलिब्रेटेड, कहाँ पर जो है ये मनाए जाते हैं। तो हेमिस गोम्पा जम्मू कश्मीर में, दूसरा है चंद्रबंगा ओडिशा में, तीसरा अम्बुबाशी असम में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, इनमें से जो है कौन सा करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर जो है वन टू एंड थ्री, यानी कि जो है डी आंसर जो है वो ठीक है, तीनों बातें जो है वो सही है। उसके बाद 40, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोजेक्ट मौसम, ठीक है, प्रोजेक्ट मौसम में, इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इट एम्स टू स्टडी द इंटरनेशनल मैरिटाइम रूट्स थ्रू इंटरनेशनल साइंटिफिक सेमिनार्स, और ए आंसर इसका वन ओनली, बी है टू ओनली, सी बोथ वन एंड टू। तो इसका राइट आंसर है सी बोथ वन एंड टू, यानी कि दोनों बातें जो हैं वो ठीक हैं। तो 40 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, हम यहाँ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। आइडेंटिफाई द इंडियन मार्शल आर्ट विद द हेल्प ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन, तो इंडियन मार्शल आर्ट को जो है बताना है आपको जो जानकारी दी हुई है इसकी मदद से। तो पहला क्या है, द मोस्ट कॉमन वेपन यूज इन द मार्शल आर्ट इज बैम्बू स्टिक, यानी कि जो मार्शल आर्ट में जो है सबसे ज़्यादा कॉमन जो हथियार है वो है बैम्बो स्टिक, बैम्बो मतलब बांस, ठीक है, बांस की डंडी। दूसरा, द एंशियंट ट्रेडिंग सेंटर ऑफ मदुराई सिटी सर्व्ड एज फोकल पॉइंट ऑफ स्पीड ऑफ दिस आर्ट। तीसरा, इट इज कंटेस्टेड ऑन ए फ्लैट हार्ड एंड सर्कुलर सरफेस। फोर्थ, दिस आर्ट हैज़ बिन मैंशनड इन संगम लिटरेचर। तो इनमें जो है राइट आंसर कौन सा है, इनमें राइट आंसर है बी सिलंबम। नेक्स्ट, नेशनल नांदित्व भाव समरसता दिवस, ठीक है, नेशनल नांदित्व भाव समरसता दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ, यानी कि किसकी बर्थ एनिवर्सरी पर जो है ये दिवस मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, ठीक है, तो बी आंसर जो है वो ठीक है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फोक डांसेस विद स्टेट्स वेयर देयर आर मोस्ट कॉमनली परफॉर्म्ड। तो फोक डांसेस के स्टेट दिए गए हैं, ठीक है, इनमें से कौन सा आंसर ठीक है। तो पहला क्या है, बारडोचाम अरुणाचल प्रदेश में, कर्मनाच झारखंड में, और रोडनाच छत्तीसगढ़ में। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा है, वन टू थ्री, यानी कि तीनों आंसर जो है वो ठीक हैं, तो वन टू एंड थ्री जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग डिफरेंस बिटवीन ध्रुपद एंड ख्याल म्यूजिक, यानी कि ध्रुपद और ख्याल म्यूजिक में जो है क्या बड़ा अंतर है। तो ध्रुपद इज द ओल्डर ओरिजिन देन ख्याल, ध्रुपद जो है वो ख्याल से पुराना है। व्हाइल पखावज इज मोस्ट कॉमनली यूज विद ध्रुपद, तबला इज मोस्ट कॉमनली यूज विद ख्याल म्यूजिक। विच व्हाइल नेचर ऑफ ध्रुपद इज स्पिरिचुअल, नेचर ऑफ ख्याल इज रोमांटिक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से जो है कौन सा वो ठीक है। तो डी आंसर जो है वो ठीक है, क्योंकि तीनों बातें जो है कही गई हैं वो तीनों की तीनों ठीक हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पपेट्री आर्ट्स विद स्टेट्स वेयर दे आर प्रैक्टाइज्ड। तो इनमें चाहे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी वन टू एंड थ्री, यानी कि तीनों बातें जो हैं वो ठीक हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46,
नाडुभांगी नृत्य एंड कृष्ण नृत्य आर एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स। तो ये जो दोनों नृत्य हैं वो किस डांस फॉर्म से एसोसिएटेड हैं, कथकली, कुचिपुड़ी, सतरिया या भरतनाट्यम। तो इसका राइट आंसर है सतरिया, तो डी आंसर जो है वो करेक्ट है। उसके बाद है 47, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ फिलोसफी वाज ओरिजिनली नोन एज लोकयात एंड बृहस्पति। तो किस स्कूल को जो है जाना जाता है, इसका राइट आंसर है चार्वाक। तो ए आंसर आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ रेस्ट्रिक्ट आर्किटेक्चर, कौन सा एग्जाम्पल है। तो राइट आंसर जो है वो है बी, वन ओनली। तो सिर्फ विरूपक्ष टेम्पल जो है वो इसका राइट आंसर। तो बी आंसर जो है वो कैलाश, ठीक है, वन ओनली जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49, विद रिफरेंस टू इंडियाज कल्चर एंड ट्रेडिशन व्हाट इज कयोत्सर्ग, यानी कि इंडिया के कल्चर और ट्रेडिशन के हिसाब से कयोत्सर्ग क्या है। तो कयोत्सर्ग है मेडिटेशन टेक्निक, एक मेडिटेशन टेक्निक है, यानी कि जो ध्यान करते हैं उसकी टेक्निक है। द रॉक कट बार्बर एंड नागार्जुन केव वर मेनली यूज्ड बाय एसएसटी एसोसिएटेड टू, तो किसके द्वारा एसोसिएटेड है, वो है आजीविका के। तो डी आंसर जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे जो है 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, इन जो जोड़े हैं इनको देखिए ध्यान से। पहला क्या है, पहला है ऋग्वेद कलेक्शन ऑफ ह्यूमंस टू वेरियस डिटीज, दूसरा है सामवेद बुक ऑफ सॉन्ग्स, तीसरा यजुर्वेद कलेक्शन ऑफ शॉर्ट प्रोज यूज इन रिचुअल्स, और फोर्थ है अथर्वेद द प्रोसीजर्स ऑफ एवरीडे लाइफ। तो अब आपके पास जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, अब आपसे ये पूछा गया है विच ऑफ द अबव आर करेक्ट, तो जो चारों बातें हैं वो बिल्कुल सही हैं और डी आंसर जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है, इन कॉन्टेक्स्ट विद द डच ईस्ट इंडिया कंपनी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो चारों जो है आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला है इट्स अथॉरिटी वाज हाईली डिसेंट्रलाइज्ड, दूसरा है इट्स हेडक्वार्टर्स वाज पुलिकट, तीसरा चीफ ऑफ पुलिकट वाज नोन एज डच गवर्नर ऑफ इंडिया। तो इनमें से जो है कौन सा ठीक है, तो अब आपके पास जो है चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो पहला और तीसरा, ठीक है, पहला और तीसरा जो है वो ठीक है, वन एंड थ्री। तो सी आंसर जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इट्स अथॉरिटी वाज हाईली डिसेंट्रलाइज्ड, ये ठीक है, और दूसरा जो दूसरा है वो गलत है, इट्स हेडक्वार्टर्स वाज पुलिकट, तो ये गलत है। तो पहला और तीसरा ठीक होंगे, तो सी आंसर आपको जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पेंटिंग विद द हेल्प ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन, अभी इंफॉर्मेशन दी हुई है आपको, ठीक है, चार पॉइंट बताता हूँ आपको। तो इनमें से जो है इनके हिसाब से आपको जो है पेंटिंग बतानी है। तो पहला क्या है, द पेंटिंग इज क्रिएटेड इन द फॉर्म ऑफ स्क्रोल, जो पेंटिंग बनाई गई है जो आपको बतानी है वो स्क्रोल की फॉर्म में बनाई गई है। दूसरा, द कलर्स यूज इन दिस टाइप ऑफ पेंटिंग आर ऑब्टेंड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, जो इसमें रंग भरे गए हैं वो प्राकृतिक रिसोर्सेज से लेकर जो है भरे गए हैं। तीसरा, कॉटन और टुसार सिल्क इज मेनली यूज इन टाइप ऑफ पेंटिंग, कॉटन जो इसमें यूज़ किया गया है। और द क्रूड ब्रशेज यूज फॉर द पेंटिंग्स आर मेड फ्रॉम हेयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, ठीक है, पालतू जानवरों से जो है वो बने हुए हैं ब्रश। तो अब इनमें से जो आपको बताना है, तो जो पटचित्र है वो ये आपका ठीक आंसर है, ए पटचित्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्स ऑफ भक्ति मूवमेंट इनिशियली अडॉप्टेड सगुन वैष्णविज्म बट लेटर प्रीच्ड निर्गुणी बिलीफ्स और लाइफ, तो इसका जो राइट आंसर है वो है भगत पीपा, ठीक है। तो सी आंसर आपका जो है वो करेक्ट है। तो भगत पीपा जो है 14th सेंचुरी के राजपूत किंग थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अब आपको जो है चार स्टेटमेंट देखने हैं। कलबिले डांस इज मोस्ट कॉमनली परफॉर्म्ड इन राजस्थान, जो कलबिले डांस है वो मोस्ट कॉमनली परफॉर्म्ड होता है राजस्थान में। दूसरी बात, इट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट बाय द यूनेस्को, तो इनमें से जो है दोनों में से कौन सी बात जो है वो सत्य है, सत्य बात जो है पहली और दूसरी बात जो है वो बिल्कुल सत्य है। तो सी आंसर जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग डिफरेंस बिटवीन श्वेतंबरा एंड दिगंबरा जैंस, तो श्वेतंबरा और दिगंबर जैंस के बीच में जो आपको डिफरेंस देखना है, ठीक है। तो पहला क्या है, व्हाइल दिगंबरा प्रैक्टिस टोटल यूनिटी टू अवॉइड ऑल अटैचमेंट,
श्वेतंबरा रिजेक्ट न्यूट्रिलिटी. सेकेंड, व्हाइल दिगंबरा बिलीव दैट वुमन कैन नॉट अटेंड मोक्ष, श्वेतरा बिलीव दैट वुमन कैन अटेंड मोक्ष. यानी ये कहते हैं दिगंबरा विश्वास करते हैं कि वुमन जो है, स्त्री जो है, वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकती है, बल्कि श्वेतंबरा कहती है कि मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं. तो दोनों बातें जो हैं वो ठीक हैं. तो ए एंड बी जो है आपका सी आंसर ठीक हो जाएगा. 57. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. अब आपको जो चार पेयर दिखाई दिए हैं, विकट लस्य, लाया टाल, भावास आर एग्जिबिटेड व्हाइल परफॉर्मिंग. दूसरा, वैश्यम लस्य, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर एंड सिलेंडर मूवमेंट. तीसरा, लघु लस्य, प्रोड्यूसिंग साउंड ऑन अर्थ थ्रू एंगलेट्स. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से जो कौन सा करेक्ट है. तो इसका जो राइट आंसर, इसकी हम बात करें तो तीनों जो हैं वो करेक्ट हैं. तो ये आंसर जो है वो ठीक हो जाएगा. इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81. विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइड टू ब्रिंग अबाउट मॉडरेशन बिटवीन इस्लामिक लॉ एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वहादत उल वजूद. तो इनमें से जो है चार ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर जो है वो है निजामुद्दीन फिरदौसी. तो ये आंसर जो है वो आपका ठीक है. उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82. द बहमनी सुल्तान अहमद वॉज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चरल ट्रेडिशंस. तो पारसी, तुर्किश और अरब. इनमें से राइट आंसर जो है पहला और तीसरा है, पारसी और अरब. यानी तुर्किश नहीं थे, टर्की नहीं थे. तो पहला और तीसरा जो आंसर आपका ठीक हो जाएगा. नेक्स्ट, 83. सुल्तान हुसैन मिर्जा बिकेम अ डिसिपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट. यानी किस साधु के जो डिसिपल बने थे, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं चेले बने थे, ठीक है, सुल्तान हुसैन मिर्जा. तो चार ऑप्शन आपको दिए हुए, राइट आंसर जो है वो है सैयद मोहम्मद हलबी उची. तो राइट आंसर जो है वो आपका सी हो जाएगा. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84. विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ सक्सेसर ऑफ सैयद मोहम्मद हलबी उची. तो इनमें से किस जो है सक्सेसर कौन था. तो इसमें जो राइट आंसर है वो है अब्दुल कादिर. सी आंसर जो है वो आपका ठीक है. 85. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट कंपनी कलाम. यानी कंपनी कलाम के बारे में कौन सी बात जो है वो सही है. तो इट वॉज द स्क्रिप्ट यूज इन अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड. इट वॉज ए नोमेडिक ट्राइब ऑफ सेंट्रल एशिया. इट वॉज ए इंडो यूरोपियन जर्नल ऑफ पेंटिंग. या नॉन ऑफ द अबव. तो इनमें चार ऑप्शन आपके दिए हुए हैं. तो ये जो है इंडो यूरोपियन जर्नल ऑफ पेंटिंग थे. तो इट वॉज सी आंसर जो है आपका वो ठीक है. हाउ मैनी नास्तिक फिलोसफीज डिड एग्जिस्ट इन एंशियंट टाइम रिजेक्टिंग द अथॉरिटी ऑफ द वेदास. यानी कि कितनी नास्तिक फिलोसफी जो है वो एग्जिस्ट करती थी प्राचीन समय में, ठीक है, वेदास की अथॉरिटी को रिजेक्टिंग करके. तो 5, 3, 6, 4 राइट आंसर इसका 4. ये आपका जो है वो ठीक हो जाएगा. नेक्स्ट है 87. विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफी एक्सेप्ट 3 of 6 प्रमाण्स प्रूफ एज द ओनली रेलिएबल मीन्स ऑफ गेनिंग नॉलेज. तो संख्या, योग, विशेषिका या मीमांसा. तो राइट आंसर इसका संख्या. ए आंसर जो है वो आपका ठीक है. समख्या इज वन ऑफ द 6 आस्तिक स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसफी. 88. इन विच द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज ऋग्वेद समिता कंपोज. तो पंजाब, सिंध, समी या बंगाल. तो राइट आंसर है पंजाब. तो ए आंसर आपका ठीक हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 89. वॉट आर द ब्रांचेज ऑफ बुद्धिज्म जनरली कॉल्ड. यानी कि बुद्धिज्म जनरली के क्या ब्रांच जो है वो क्या कहलाई थी. वो कहलाई थी बोथ ऑफ द अबव. यानी कि सी आंसर जो है वहाँ पर ठीक है, थर्वेद और महायना. तो ए एंड बी जो है वो ठीक है. तो सी आंसर बोथ ऑफ द अबव जो है आपका करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट 90. क्वेश्चन. एज पर अद्विता वेदांत दर्शन विद्या इज ऑब्टेंड थ्रू हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ प्रैक्टिस. अब इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपको. राइट आंसर है 3 stages ऑफ प्रैक्टिस. ठीक है, 3 stages ऑफ प्रैक्टिस की. जैसे कि एज पर अद्विता वेदांत दर्शन विद्या इज ऑब्टेंड थ्रू 3 stages ऑफ प्रैक्टिस, जैसे श्रवणा और मनाना और निधिध्या. तो 90 क्वेश्चन जो है हमारे वो कंप्लीट हुए हैं. अब क्वेश्चन नंबर 91. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिस्ट इज कंसिडर्ड एट द लास्ट नोटेबल एक्सपोनेंट ऑफ कंपनी स्टाइल पेंटिंग. यानी कि इनमें से जो है कौन सा जो कलाकार है वो कंसिडर्ड किया जाता है किस तौर पर, था लास्ट नोटेबल एक्सपोनेंट ऑफ कंपनी स्टाइल पेंटिंग की. तो चार ऑप्शन आपके दिए हुए हैं. तो राइट आंसर इसका ईश्वरी प्रसाद. तो ये आंसर जो है वो आपका करेक्ट है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 92. हु इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म. यानी कि जैनिज्म का पहला तीर्थंकर किसको कहा जाता है. तो इसमें से चार आंसर है आपके, चार ऑप्शन
ऋषभ नाथ कौन, ठीक है, ऋषभ नाथ कौन, तो ये आंसर जो है आपका ए वो ठीक है। क्वेश्चन नंबर व्हाट आर द रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ जैनिज्म कॉल्ड, रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ जैनिज्म कॉल्ड, ठीक है, तो चार ऑप्शन है इसके दिए हुए हैं, इसका राइट आंसर है त्रिपिटक, तो बी आंसर जो है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ बुद्धिज्म जनरली कॉल्ड, तो बुद्धिज्म जनरली कॉल्ड के जो क्या है ब्रांचेस उसको हम कहते हैं बौद्ध देव, यानी कि थर्वेदा और महायाना दोनों, ठीक है, तो सी आंसर बौद्ध देव जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल पी एफ फिलोसफीज प्रोपाउंड्स दैट पुरुष ब्राह्मण इज बोथ द एफिशियंट एंड द मटेरियल कॉज दैट फ्रॉम विच द ओरिजिनेशन सबसिस्टेंस एंड डिसोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स प्रोसीड, तो इसके जो आपके पास चार ऑप्शन है, राइट आंसर है वेदांता स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसफी, तो सी आंसर जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। 96 क्वेश्चन न्याय स्कूल्स एपिस्टेमोलॉजी एक्सेप्ट फोर आउट ऑफ हाउ मैनी प्रमाण्स एज रिलेबल मीन्स ऑफ गेनिंग नॉलेज, तो चार ऑप्शन है इसके, 7 प्रमाण्स, 6 प्रमाण्स, 8 प्रमाण्स और 9 प्रमाण, कितने प्रमाण हैं, वो है 6 प्रणाम, 6 प्रणाम है प्रमाण है, तो सी आंसर जो है वो आपका करेक्ट है। कौन कौन से देख लीजिए, प्रत्यक्षा एनुमना और अनुमान और उपामन उपमान और यहाँ पर शब्द, ठीक है। वाई वाज जैन धर्म फाउंडर महावीर कॉल्ड सो, यानी कि जो जैन धर्म है वो महावीर कॉल्ड, महावीर को क्यों कहा गया, तो इसके चार ऑप्शन है, राइट आंसर है ए ही वाज फियरलेस इन द मिडस्ट ऑफ डेंजर्स, तो ये आंसर जो आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स डायरेक्ट प्रिस्क्रिप्शन एम्प्रिजन एंड कंडीशनल इन्फ्रेंस एज पर सोर्स ऑफ नॉलेज, तो चार ऑप्शन है, राइट आंसर है चर्वक का, तो ये आंसर जो आपका करेक्ट है। 99 क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग प्लेड पिवोटल रोल लीडिंग टू द इमर्जेंस ऑफ वेदांतिज्म, तो इसके डी आंसर जो है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि शंकराचार्य, माधवाचार्य और रामानुजन, तो डी आंसर जो है वो ठीक है। ऐसे लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा 100 हु प्रोक्लेम्स हिमसेल्फ टू बी द थर्ड अवतार इनकेंट ऑफ वायु, यानी वायु का जो है थर्ड अवतार जो है किसको क्लेम किया जाता है, माधवाचार्य, आदि शंकराचार्य, सेज व्यास या रामानुज को, तो राइट आंसर जो है इसका माधवाचार्य, ठीक है। तो ये जो है हमारे कुछ 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, मल्टीपल चॉइस एग्ज़ाम में जो हैं इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो आपको मिलने के चांसेस हैं, तो और भी नए जो आपके सब्जेक्ट हैं उसके मल्टीपल चॉइस के लिए एक ही ट्यू की न्यूज़ के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा आर के इंस्टीट्यूट सेंटर, थैंक यू। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राई टू ब्रिंग अबाउट मॉडरेशन बिटवीन इस्लामिक लॉ एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वहादत उल वजूद, तो इनमें से जो है चार ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर जो है वो है निजामुद्दीन फिरदौसी, तो ये आंसर जो है वो आपका ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 द बहमनी सुल्तान अहमद वाज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चरल ट्रेडिशंस, तो पारसी, तुर्किस और अरब, इनमें से राइट आंसर जो है पहला और तीसरा है, पारसी और अरब, यानी तुर्किस नहीं थे, टर्की नहीं थे, तो पहला और तीसरा जो आंसर आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट 83 सुल्तान हुसैन मिर्जा बिकेम द डिसिपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट, यानी किस साधु के जो डिसिपल बने थे, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं चेले बने थे, ठीक है, सुल्तान हुसैन मिर्जा, तो चार ऑप्शन आपको दिए, राइट आंसर जो है वह सैयद मोहम्मद हलबी उची, तो राइट आंसर जो है वो आपका सी हो जाएगा। उसका क्वेश्चन नंबर 84 विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ सक्सेसर ऑफ सैयद मोहम्मद हलाबी उची, तो इनमें से किस जो है सक्सेसर कौन था, तो इसमें जो राइट आंसर है वो है अब्दुल कादिर, सी आंसर जो है वो आपका ठीक है। 85 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट कंपनी कलाम, यानी कंपनी कलाम के बारे में कौन सी बात जो है वो सही है, तो इट वॉज द स्क्रिप्ट यूज इन अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, इट वॉज ए नोमेडिक ट्राइब ऑफ सेंट्रल एशिया, इट वॉज ए इंडो यूरोपियन जर्नल ऑफ पेंटिंग या नॉन ऑफ द अबव, तो इनमें चार ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, तो ये जो है इंडो यूरोपियन जर्नल ऑफ पेंटिंग थे, तो इट वॉज सी आंसर जो है आपका वो ठीक है। हाउ मैनी नास्तिक फिलोसफीज डिड एग्जिस्ट इन एंशियंट टाइम रिजेक्टिंग द अथॉरिटी ऑफ द वेदास, यानी कि कितनी नास्तिक फिलोसफी जो है वो एग्जिस्ट करती थी प्राचीन समय में, ठीक है, वेदास की अथॉरिटी को रिजेक्टिंग करके, तो 5, 3, 6, 4 राइट आंसर इसका 4, ये आपका जो है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है 87 विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफी एक्सेप्ट 3 ऑफ 6 प्रमाण्स प्रूफ एज द
ओनली रिलायबल मीन्स ऑफ गेनिंग नॉलेज, तो संख्या, योग, विशेषिका या मीमांसा। तो राइट आंसर है इसका संख्या, ए आंसर जो है वो आपका ठीक है। समाख्या इज वन ऑफ द सिक्स आस्तिक स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसफी। 88 इन विच द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज ऋग्वेद संहिता कंपोज, तो पंजाब, सिंध, समी या बंगाल। तो राइट आंसर है पंजाब, तो ये आंसर आपका ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ बुद्धिज्म जनरली कॉल्ड, यानी कि बुद्धिज्म जनरली के क्या ब्रांच जो है वो क्या कहलाई थी, वो कहलाई थी बोथ ऑफ द अबव, यानी कि सी आंसर जो है वहाँ पर ठीक है, थर्वेद और महायान। तो ए एंड बी जो है वो ठीक है, तो सी आंसर बोथ ऑफ द अबव जो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 90 क्वेश्चन, एज पर अद्विता वेदांतर दर्शन विद्या इज ऑप्टेंड थ्रू हाउ मनी स्टेजेस ऑफ प्रैक्टिस। अब इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, राइट आंसर है थ्री स्टेजेस ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है, तीन स्टेज ऑफ प्रैक्टिस की, जैसे कि एज पर अद्विता वेदांतर दर्शन विद्या इज ऑप्टेंड थ्रू थ्री स्टेज ऑफ प्रैक्टिस, जैसे श्रवणा और मनाना और निधिध्या। तो 90 क्वेश्चन जो है हमारे वो कंप्लीट हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिस्ट इज कंसिडर्ड एट द लास्ट नोटेबल एक्सपोनेंट ऑफ कंपनी स्टाइल पेंटिंग, यानी कि इनमें से जो है कौन सा जो कलाकार है वो कंसिडर्ड किया जाता है किस तौर पर, था लास्ट नोटेबल एक्सपोनेंट ऑफ कंपनी स्टाइल पेंटिंग के। तो चार ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, तो राइट आंसर इसका ईश्वरी प्रसाद, तो ये आंसर जो है आपका करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 92, हु इज़ रिगार्डेड एज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, यानी कि जैनिज्म का पहला तीर्थंकर किसको कहा जाता है। तो इसमें से चार आंसर है आपके, चार ऑप्शन ऋषभनाथ को, ठीक है, ऋषभनाथ को, तो ये आंसर जो है आपका ए वो ठीक है। क्वेश्चन नंबर, व्हाट आर द रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ जैनिज्म कॉल्ड, रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ जैनिज्म कॉल्ड, ठीक है, तो चार ऑप्शन इसके दिए हुए हैं, इसका राइट आंसर है त्रिपिटक, तो बी आंसर जो है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ बुद्धिज्म जनरली कॉल्ड, तो बुद्धिज्म जनरली कॉल्ड के जो क्या है ब्रांचेस, उसको हम कहते हैं बौद्ध देव, यानी कि थर्वेद और महायान दोनों, ठीक है, तो सी आंसर बौद्ध देव जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल पी एफ फिलोसफीज प्रोपाउंड्स दैट पुरुष ब्राह्मण इज बोथ द एफिशियंट एंड द मटेरियल कॉज दैट फ्रॉम विच द ओरिजिनेशन सबसिस्टेंस एंड डिसोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स प्रोसीड। तो इसके जो आपके पास चार ऑप्शन है, राइट आंसर है वेदांता स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसफी, तो सी आंसर जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। 96 क्वेश्चन, न्याय स्कूल्स एपिस्टेमोलॉजी एक्सेप्ट फोर आउट ऑफ हाउ मैनी प्रमाण्स एज रिलेबल मीन्स ऑफ गेनिंग नॉलेज, तो चार ऑप्शन है इसके, 7 प्रमाण्स, 6 प्रमाण्स, 8 प्रमाण्स और 9 प्रमाण, कितने प्रमाण हैं, वो है 6 प्रणाम, 6 प्रणाम है प्रमाण है, तो सी आंसर जो है वो आपका करेक्ट है। कौन कौन से देख लीजिए, प्रत्यक्ष, अनुमना और अनुमान और उपमान और यहाँ पर शब्द, ठीक है। विभाय वाज जैन धर्म फाउंडर महावीर कॉल्ड सो, यानी कि जो जैन धर्म है वो महावीर कॉल्ड, महावीर को क्यों कहा गया, तो इसके चार ऑप्शन है, राइट आंसर है ए ही वाज फियरलेस इन द मिडस्ट ऑफ डेंजर्स, तो ये आंसर जो आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स डायरेक्ट प्रिस्क्रिप्शन एम्प्रिज्म एंड कंट्रेशनल इन्फ्रेंस एज पर सोर्स ऑफ नॉलेज, तो चार ऑप्शन है, राइट आंसर है चर्वक, तो ये आंसर जो आपका करेक्ट। 99 क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग प्लेड पिवोटल रोल लीडिंग टू द इमरजेंस ऑफ वेदांतिज्म, तो इसके डी आंसर जो है ऑल ऑफ द, यानी कि शंकराचार्य, माधवाचार्य और रामानुजन, तो डी आंसर जो है वो ठीक है। ऐसे लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा 100, हु प्रोक्लेम्स हिमसेल्फ टू बी द थर्ड अवतार इनकेंट ऑफ वायु, यानी कि वायु का जो है थर्ड अवतार जो है किसको क्लेम किया जाता है, माधवाचार्य, आदि शंकराचार्य, सेज व्यास या रामानुज को, तो राइट आंसर जो है माधवाचार्य, ठीक है। तो ये जो है हमारे कुछ 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, मल्टीपल चॉइस एग्ज़ाम में जो हैं इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो आपको मिलने के चांसेस हैं, तो और भी नए जो आपके सब्जेक्ट हैं उसके मल्टीपल चॉइस के लिए, एक ही ट्यू की न्यूज़ के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा आर्किटेक्चर सेंटर। थैंक यू।